वेलकम टू केपी इनोवेशन क्लासेस। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थानों पर, जैसा कि एग्जाम में, हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यदि हम बैठते हैं तो उसमें बेसिकली पूछा जाता है कि जैसे चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, या मतलब है आलू शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, इस तरह से बहुत सारे, या कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि एग्जाम्स में ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। यदि आपको, आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि अब की बार हम कृषि करेंगे तो कहाँ करेंगे, नई दिल्ली में। कहाँ करेंगे, नई दिल्ली में, या नई दिल्ली की सड़कों पर हम कृषि करेंगे। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। दूसरा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, ठीक है। पल्स मतलब होता है आपका दाल, पल्स मतलब क्या होता है, दाल। तो दाल अनुसंधान केंद्र आपका यह कानपुर यूपी में स्थित है, कानपुर यूपी में स्थित है, ठीक है। तीसरा है आपका शुगर केन अर्थात गन्ना ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो उत्पादन होता है गन्ने का, जो उत्पादन होता है वह कौन सा गन्ना सबसे बेहतरीन या पैदावार उसमें ज़्यादा होता है, इसको जानने के लिए इसका अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका लखनऊ यूपी में स्थित है, ठीक है। पांचवा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन को बोलते हैं सोयाबीन, सोयाबीन जिसे कहा जाता है न्यूट्रीला, क्या कहा जाता है, न्यूट्रीला, ठीक है। यह आपका हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोटैटो मतलब आलू, ठीक है। जब आपका आलू खाने का मन करे तो बोल दो आज हम कैसे आलू खाएंगे, शिमला मिर्च में मिलाकर, यानी कि आज सब्जी किसकी बनेगी, शिमला मिर्च की। तो आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश। अगला है सेंट्रल राइस, राइस मतलब होता है चावल, ठीक है, चावल में से लोग क्या निकालते हैं, कंकड़, ठीक है, कंकड़, नहीं तो कंकड़ नहीं रहेगा तो क्या करेगा, कट कट बजता है, तो चावल में कंकड़ मिलते हैं तो कैसे होता है, कट से आवाज आती है, तो कटक में स्थित है जो कि उड़ीसा राज्य में है। तो आपका चावल अनुसंधान केंद्र, यानी कि अगर हम कहें सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कटक उड़ीसा राज्य में स्थित है। सेंट्रल टोबैको, टोबैको अर्थात तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट यह आपका राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तंबाकू खाना किसका शौक होता है, राजाओं और महाराजाओं का, जो अपना बाकी हुक्का पानी लोग करते हैं या सिगरेट पीते हैं
आजकल तम्बाकू हर जगह प्रयोग हो रहा है, टोबैको इज इंजूरियस टू किल्ड, पर कोई नहीं मानता इस चीज को, ठीक है। तो यह आपके महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान थे जो आपको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 नंबर के प्रोवाइड होंगे। तो ये आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिएगा और ऐसे ही जुड़े क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी को जरूर प्राप्त होंगे, ठीक है। एक बार आप सभी लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिए, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर उत्तर प्रदेश, सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यूपी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद आंध्र प्रदेश, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राज मुंदरी। तो ये आपके महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट थे जो आपके एग्जाम्स में बहुत सारे काम आएंगे। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, केपी इनोवेशन क्लासेस, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।